सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen though. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डॉक्ट्रिन में आपका स्वागत है। क्या आम आदमी पार्टी आप हिमाचल चुनावों से पूरी तरह से अपना ध्यान हटा चुकी है? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है और भारत आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट चरणों में अच्छा क्यों नहीं खेल पाती है? पिछले हफ्ते, पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ऐसे कई सवाल भेजे, ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद आपका अपूर्वा। शेखर, चलिए सबसे पहला जो सवाल आ रहा है, आज कोशिश कर रहा हूँ अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखने की, हालांकि मार खाने के बाद एडिलेड में बड़ा मुश्किल है। जी जी, मुस्कुराओ तो फिर भी दर्द होता है। समझ रही हूँ शेखर, जब ये हुआ हमारे ऑफिस में भी एक तरह से सभी थोड़े दुखी हो गए थे, पर इस पर भी सवाल आया। सुना है आपने, वो अपना दुख मिटाने के लिए पिज्जा मंगा के खाए थे सब लोगों ने। अब दुख मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। दिल बहलाने को गाली भी पिज्जा खा लें, अच्छा है। हाँ। चलिए सबसे पहला जो सवाल है आज का शेखर, वो जय सिंह का आ रहा है जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सुरी की हत्या बहुत ही चिंताजनक है और वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये 80 के दशक में अलगाववादी आंदोलन की वापसी का संकेत नहीं है। वो बोल रहे हैं पूरे राजनीतिक क्षेत्र में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है और यहाँ तक कि सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नए पंजाबी भाजपा नेताओं ने भी बयान नहीं दिया है। इस स्थिति के बारे में आप क्या, आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं आपसे काफ़ी हद तक क्या पूरी तरह ही सहमत हूँ कि पंजाब में इस समय जो स्थिति है ये बहुत चिंताजनक है। और जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये सूरी जी के बाद एक और किलिंग हुई है, वो जो मेरे ख्याल प्रदीप सिंह नाम था, जो एक एक्यूज था बरगाड़ी सैक्रिलेज केस में। तो ये पुलिस प्रोटेक्टिव हैं पंजाब पुलिस के, जिसको पुलिस की प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसके बावजूद हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रेंड है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जब 80 के दशक में ये शुरू हुआ था, ये क्राइसिस पंजाब में, ये समस्या शुरू हुई थी, तब भी ऐसे ही हुआ था। और तब भी जो पंजाब की राजनीतिक पार्टियां थीं और नेता थे, सब चुप हो गए थे, खौफ में चुप थे। किसी को डर था कि एक वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा, किसी को डर था अपनी जान का, किसी की सिंपथीज मिक्सडअप थी। और कई बार ऐसे होता है कि जब आपको कोई ऐसी एक चुनौती भरी स्थिति दिखे, तो आप जैसे वो बिल्ली कबूतर वाली बात होती है ना, कि बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं दिख रही है, इसका मतलब बिल्ली है ही नहीं। तो कुछ ये भी पंजाब में होता है और अभी हो रहा है। ये बहुत ही एक, मैं कहूँगा कि चिंता की बात भी है और बदकिस्मती की बात भी है, क्योंकि वही सब नेता जब नेता जो सब चुप हैं इसके बारे में, या जो इसके बारे में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जैसे कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनका है जी। तो ये लगता है कि बहुत ही छोटी दृष्टि की बात है, ये दूरदृष्टि की बात नहीं है। अगला जो सवाल है वो संकल्प का है जो कि हमारे मेंबर बोल रहे हैं, हेलो शेखर, तेलंगाना में कुल मिलाकर लगभग 500 किलोमीटर और 15 दिनों तक चलने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार बायपोल में अपना डिपॉजिट तक नहीं बचा सके, जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर रही। अगर यात्रा चुनाव जीतने के लिए नहीं है तो उसका उद्देश्य क्या है? वो बोल रहे किसान आंदोलन का भी एक तरह से एक मकसद था। राहुल की प्रसिद्ध विदेशी छुट्टियों से ये यात्रा कितनी अलग है? कम से कम साउथ से नॉर्थ तक वो बोल रहे हैं कि अगर बाइक की सवारी शायद थोड़ी ज्यादा मजेदार होती है और रॉयल एनफील्ड इसे स्पॉन्सर भी कर देता। क्या वो ये जानते भी हैं कि आप और रीजनल्स उनके 20% को निशाना बना रही हैं? देखिए, ये आपकी बात एकदम ठीक है और आप भी राजनीति के बहुत जानकार हैं, इसीलिए आप हमारे मेंबर भी हैं। जितने हमारे मेंबर हैं वही लोग बनते हैं और बनते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, जो कि सब ज्ञानी लोग हैं। तो आप भी ज्ञानी हैं। ये मुझे भी कोई राहुल गांधी की ये राजनीति समझ नहीं आई। हालांकि ये ज़रूर है कि जहाँ तक उनकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग है, वो एक पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि हम अभी ये राज्यों के चुनाव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको T20 समझ के नहीं खेल रहे। T20 का नाम बोलते हुए भी दिल में दर्द होता है। अभी इसको हम T20 समझ के नहीं खेल रहे हैं, इसको हम टेस्ट मैच समझ के खेल रहे हैं कि अभी ओपनिंग एक घंटा है। जैसे सुनील गावस्कर कहते थे, गिव द फर्स्ट आवर टू द बॉलर, है ना, फर्स्ट सेशन टू द बॉलर, पिच जरा फ्रेश है, बॉल नई है, उसके बाद फिर आप आके मारिए। तो एक तरीके से मतलब मैं सीरियसली बोलूँ, संजीदगी से बोलूँ तो वो ये है कि राहुल गांधी की जो पर्सनल ब्रांड है, क्योंकि नेता तो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, वोट उन्हीं के नाम में मांगने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उनकी ब्रांड बनाने की कोशिश है। और जैसा मेरे विश्लेषण में मुझे कुछ समझ आता है वैसे कि अभी उन्हें सीधा इलेक्शन में एक्सपोज ना किया जाए, क्योंकि लगता नहीं कि कांग्रेस अभी गुजरात में या हिमाचल में, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वहाँ पे चुनाव में राहुल गांधी को भेजना बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि दो हारें फिर लग सकती हैं नाम से। इसलिए हिमाचल में आप देखें तो उन्होंने प्रियंका को भेजा हुआ है, प्रियंका गांधी को। तो ये सारी बातें हैं, पार्टियाँ अपने तरीके से सोचती हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो यात्रा है, ये ब्रांड कांग्रेस या इलेक्शन के बारे में नहीं है, और बाई इलेक्शन के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये यात्रा ब्रांड राहुल के बारे में। और अब देखिए जो उनका जो उसमें मैसेज भी जा रहा है, पॉलिटिकल मैसेज, वो उसी तरह का जा रहा है, पॉलिटिकल संदेश कि आप अपने दिल से हेट ख़त्म करो, घृणा ख़त्म करो, सबके साथ जुड़ो, सबको गले लगाओ। तो वो लार्जर उनकी ब्रांड पोजिशनिंग है। तो अब ये काम करती है कि नहीं, ये तो समय बताएगा और वोटर बताएगा। पर ये इसके पीछे जो प्लान है, ये कोई ये नहीं है कि बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं, तुझको चलना होगा, ऐसे नहीं है, कुछ प्लान इसके पीछे है। अगला सवाल जो है वो आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी हमें राज्य में उनका कोई सक्रिय अभियान नहीं दिख रहा है और उन्होंने अपना पूरा जो ध्यान है और ऊर्जा है वो गुजरात पर लगा दी है। क्या आपको लगता है कि आप द्वारा हिमाचल चुनाव को छोड़ देने की संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, आप हर जगह जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के वोट होते हैं, सोचती है वहाँ हमारा चांस है जी। तो ऐसे वो गोवा गए थे और गोवा में उनकी कुछ सीटें आई फाइनली, पिछली बार नहीं आई थी, इस बार उन्होंने गोवा में अकाउंट खोला। तो उन्होंने यही सोचा था कि हिमाचल में और गुजरात में हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि उन्हें लगा शुरू में ही कि गुजरात में वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं हिमाचल की बजाय। तो अब एक पार्टी है, थोड़े से नेता हैं, उसके कैंपेन करने के लिए भी थोड़े से हैं, उसके ऊपर बीजेपी ने भी अपनी एजेंसीज वगैरह सब पीछे लगा के उनके काफ़ी नेताओं को बहुत व्यस्त कर दिया है। कोई बयान देने जा रहा है, किसी को गिरफ्तारी का डर है, लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उनके पास कैंपेनर एक दो ही बचते हैं जी। हिमाचल में उनको उम्मीद ये थी कि क्योंकि पंजाब में इतना बड़ा जीते हैं और पंजाब का सारा जो बॉर्डर है वो तो हिमाचल के साथ लगता है, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस पंजाब से हिमाचल में ट्रैवल करेंगे, पंजाब बहुत बड़ा राज्य है हिमाचल के मुकाबले, तो वो उससे कुछ सोचा होगा। लेकिन अभी आप देखें तो पंजाब के उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार गुजरात में ही कैंपेन कर रहे हैं, हिमाचल में नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी बात ठीक है और ये लॉजिकल है कि अगर आपके पास बैंडविड्थ लिमिटेड है, सीमित है, और आपके पास कैंपेन करने वाले सीमित हैं, और आपके पास संसाधन भी सीमित हैं, तो आप सोचें कि मैं सारा एक जगह लगाऊँ जहाँ मैं थोड़ा इम्पैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, जीतना हारना, सत्ता में आना वो तो बड़ी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की 20 सीटें भी आ जाएं गुजरात में, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। और 20 तो चलिए, अगर 5 भी आ जाएं तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, लेकिन अगर 20 आ गई, उनकी 20 आई तो कांग्रेस की बहुत कम हो जाएंगी, तो वो एक तरह से नंबर 2 पार्टी के आसपास या नंबर 2 भी बन सकते हैं। ठीक है, वो तो कहेंगे कि हमारा राज आएगा, राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस समय कम से कम ऐसा नहीं लग रहा है। अभी 3 हफ्ते और है, 2 हफ्ते और है वहाँ कैंपेनिंग के, तो फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन उन्होंने सारा फोकस अपना, लगता है कि हिमाचल से हटा के अब गुजरात में ही सब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सीमित है, उनके पास नेता भी सीमित हैं। अगला जो सवाल है वो आदित्य देवस्कर का है, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे हैं कि आप अमेरिका में मिड टर्म रिजल्ट्स को कैसे देखते हैं, परिणामों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि ट्रंप अभी भी 2024 में दौड़ेंगे, और अगर वो रिपब्लिकन प्राइमरी में जीत हासिल करते हैं तो क्या उन्हें 2016 की तरह ही ट्रैक्शन मिलेगा, खासकर कट्टर रिपब्लिकन बेस के बाहर? देखिए, ये जो मिड टर्म्स हैं, जो उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी तरीके से नतीजे नहीं आए हैं। हालांकि ये अमेरिका की अपनी महिमा है कि वहाँ पे अभी तक पूरे नतीजे नहीं आए हैं, कुछ काउंटिंग हो रही है, कुछ जगह कुछ चलता रहता है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो एक घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है काउंटिंग, टीवी चैनल्स का नुकसान हो जाता है, उसके बाद सारी ऑडियंसेस चली जाती हैं, कोई कितना एनालिसिस सुनेगा उसी बात का, क्योंकि एनालिसिस साथ साथ होता है। तो अमेरिका में भी चल रहा है, लेकिन लगता है कि ट्रंप का जादू नहीं चलाएगा, और ट्रंप के कई खास कैंडिडेट हार गए हैं, जैसे कि सेनेटर के लिए पेंसिल्वेनिया में मेहमत ऑड्स टीवी डॉक्टर हैं, जो टीवी के ऊपर लोगों को बोलते हैं ये करो, और टर्किश मूल के हैं। अच्छा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा राइट विंग और बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंट्रोवर्शियल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा उसके पीछे अपना वजन लगाया, लेकिन वो हार गए हैं। और अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स में डेटा का एक आर्टिकल आया है, वो शायद हम कर्तक लेटर में भी मेंशन करेंगे, कि जो महिलाएँ हैं उन्होंने बड़ी भारी संख्या में महमद ऑड्स के खिलाफ वोट दिया डेमोक्रेट्स को, और वो सिर्फ अबॉर्शन, रो वर्सेस वेड, क्योंकि सब सोचते हैं कि रो वर्सेस वेड आ गया और वहाँ पे गर्भपात पे अब एक तरह का बैन तो नहीं हुआ, लेकिन हर राज्य अपना कानून बना सकता है। तो हर कोई सोचता है कि मेरे राज्य का जो नेता हो वो कानून मेरी तरफ से बनाए। तो कुछ राज्य हैं, जैसे केंटकी है, जो जहाँ पे कंजर्वेटिव लोग बहुत हैं, बाइबल बेल्ट वगैरह भी जिसको के बोलते हैं अमेरिका में, वो लोग कहते हैं हाँ अबॉर्शन होना चाहिए, तो वो उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन बहुत से बाकी राज्यों में और उन बाइबल बेल्ट के राज्यों में भी बहुत नौजवान महिलाएं, खास करके जो कॉलेज पढ़ चुकी हैं महिलाएं जी, वो बड़े भारी संख्या में अब रिपब्लिकन्स के खिलाफ डेमोक्रेट्स को वोट दे रही हैं। अगर आप देखें तो मिशिगन में गवर्नर का चुनाव हुआ, अब मिशिगन में वो आराम से डेमोक्रेटिक पार्टी का जीत गया, लेकिन मिशिगन में 56% महिलाओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता को वोट दिया, कैंडिडेट को। पुरुषों ने भी दिया करीब 52%, लेकिन अगर आप पेंसिल्वेनिया में आएंगे तो पेंसिल्वेनिया में बहुत ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया डेमोक्रेटिक पार्टी को। मतलब आप सोचिए कि इतनी महिलाओं ने अगर वोट दिया रिपब्लिकन पार्टी को, महमत ऑड्स को, तो इतनी महिलाओं ने दिया वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को, फेटरमैन जो उनके कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर पुरुषों का देखें वहाँ पे, तो इतनों ने दिया, तो मान लीजिए कि इतने पुरुषों ने दिया इतने पुरुषों ने दिया रिपब्लिकन पार्टी को, तो इतनों ने दिया डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो पुरुषों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को कम वोट दिए, लेकिन महिलाओं ने इतनी ज़्यादा वोट दिए उनको कि वो जीत गए। और उनके अंदर भी अगर आप फिर वो एक कॉलेज एजुकेटेड, ये भी अमेरिका की एक अलग महिमा है कि वहाँ हर कोई कॉलेज नहीं जाता है, तो जो कॉलेज जाके पढ़ के आई हैं महिलाएँ, उन्होंने 62-65% तक डेमोक्रेट्स को वोट दिया इस बार। तो ये महिलाएँ जो हैं, खास करके नौजवान महिलाएँ, ये बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी बन गई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है जी। और रिपब्लिकन पार्टी में भी आपस में अब कुछ सिर्फ फुटावल शुरू हो गई है, सिर्फ फुटावल ही कहते हैं ना टीवी चैनल्स में हिंदी की, कि मारपीट तूने ये क्यों किया, तूने ये क्यों किया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनकी बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, और बाइडेन इसके बाद बिल्कुल कमज़ोर होकर लेमडक जिसे कहते हैं हो जाएंगे। लेमडक का मतलब आप समझते हैं कि बतख की टांग टूट गई हो, है ना, तो क्या करेगी बेचारी। तो लेमडक नहीं बने बाइडेन इससे, क्योंकि बाइडेन इससे अब सशक्त हो गए हैं, क्योंकि सबको लगा कि इतना वहाँ इन्फ्लेशन है, दाम बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति है, उसके बावजूद। और बाइडेन भी कभी कभी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कई बार बातें भूल जाते हैं, अपने बेटे को भूल जाते हैं, बोलते हैं मेरा बेटा उस लड़ाई में मारा गया, वो लड़ाई में नहीं मारा गया था, लड़ाई में ड्यूटी पे गया था, तो वो ऐसे भूल जाते हैं। तो सबने कहा कि जी वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाइडेन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, इसीलिए उन्होंने आके बहुत छाती ठोक के प्रेस को संबोधित भी किया। और अगर अच्छा रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण नौजवान महिलाओं का वोट है। अगला सवाल ईरान से जुड़ा हुआ है। गिरीश रंजन जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि ईरान में जो पहले बोल रहे हैं ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर आपके विचार वो चाहेंगे। वो बोल रहे हैं कि उस फ्रंट पर आपसे ज़्यादा उनको कवरेज नहीं दिखा है। बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इस पर एक कट द क्लटर भी बनना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है उससे लगता है कि ईरानी लोग अकेले ही लड़ रहे हैं। आपके विचार क्या है इस पे? देखिए, ईरान में जो हो रहा है उस पर काफ़ी कवरेज है। ये आपकी बात ठीक है कि हमारे यहाँ इतनी कवरेज नहीं है। हम रॉयटर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो रॉयटर्स पे वहाँ से बहुत स्टोरीज आती हैं, तो आप उनको देखिए। ये भी ज़रूर है कि मैंने उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोला है, बल्कि मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड कट द क्लटर भी नहीं किया है। उसका एक कारण ये है कि मुझे कई बार समझ नहीं आता कि ईरान की कहानी में कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ईरान की कहानी अगर आप शुरू करें फिर तो आप ईरानियन क्रांति से शुरू करेंगे। जब शाह ऑफ ईरान था, शाह ऑफ ईरान को हटाया गया, उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, इमाम खुमैनी आए, उस समय वो पेरिस में थे, देश निकाले में थे, वहाँ से वापस आए, उन्होंने फिर एक इस्लामिक देश बनाया। अब इस्लामिक देश भी वहाँ पे एक ऐसा है कि उसके दो पहिए, एक पहिया बड़ा एक पहिया छोटा है। तो जो बड़ा पहिया है, जो असली पहिया है, वो तो उनका है जो मौलाना लोग जो वहाँ के होते हैं, मौलवी लोग जो होते हैं, जिनको आयतोल्ला कहते हैं। तो आयतोल्ला ये कौम वहाँ पे जगह है उनका, एक तरह से आप कह लीजिए कि उनकी काशी है या उनका जो जो भी एक रिलीजियस हेडक्वार्टर है। तो कौम QOM, तो वहाँ पे आयतोल्ला रहते हैं। तो असली शक्ति इनके पास है। उसके नीचे वो एक लोकतंत्र अलाउ करते हैं जब चुनाव होता है। उसके अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर भी चुना जाता है, प्रेसिडेंट भी चुना जाता है। तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पाकिस्तान की हाइब्रिडाइजेशन से भी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हाइब्रिडाइजेशन इनफॉर्मल है कि भाई पता है कि बात हाँ या ना तो GHQ से आएगी, फौजी बोलेंगे, पर यहाँ फॉर्मल है जी। तो ये सारी बहुत पेचीदा चीज़ है। तो मैं आपकी बात ठीक है, हो सकता है मैंने सुस्ती करी हो इसमें कि अरे इतना पढ़ के इतना कैसे समझाऊंगा, उसको मैं कंसाइज 20-25 मिनट में कैसे करूँगा, ये तो पूरी डॉक्यूमेंट्री है ना। तो जिसको कहते हैं दिमाग के अंदर होता है कई बार एनालिसिस पैरालिसिस, वो इतना डेटा होता है कि आप उसको एनालाइज करते करते बुरी हालत हो जाती है। तो लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं ईरान पर बात करूंगा। ईरान एक बहुत दिलचस्प देश है क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन उसमें इस्लामिक रिपब्लिक होते हुए भी लोगों में काफ़ी आज़ादी फिर भी है, कई तरह की आज़ादी है। लड़के लड़कियां साथ घूम सकते हैं, जो कि आम इस्लामिक रिपब्लिक में नहीं हो सकता। जब मैं पहली बार ईरान गया तब वाजपेयी जी गए थे वहाँ पे, तो मैं उनके साथ गया था। वो लास्ट विज़िट किया होगा शायद मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके बाद मैं गया नहीं। वो तभी गया था क्योंकि ईरान आमतौर पर वहाँ जाते नहीं। तो मैं घूमते घूमते मैं पैदल निकल जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो मैं एक उनके चाय खाने में चला गया, जैसे कैफ़े होते हैं वहाँ चाय खाने। ईरान के लोग चाय बहुत पीते हैं, इंडिया से भारत से चाय भी बहुत मंगाते हैं, और चाय के अंदर पुदीने का पत्ता डाल के मिंट टी। तो वहाँ मैंने देखा कि एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं कैफ़े के अंदर, और वो मिंट टी उनको ऐसे लंबे लंबे कप्स में आती है, ग्लास जैसे, दोनों ने उसके अंदर एक स्ट्रॉ डाला हुआ है और उसमें से पी रहे हैं। अच्छा। तो ये ऐसा सीन मैंने सोचा नहीं था कि अरे इस्लामिक रिपब्लिक में भी ऐसा सीन हो रहा है। और ईरान के लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं, दुनिया भर में जहाँ वो निकल के गए हैं बहुत अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ईरान एक बहुत फैसिनेटिंग देश है और बहुत फैसिनेटिंग सभ्यता है। और आपकी बात ठीक है, शायद इसलिए आपकी बात ठीक है कि हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशली नहीं किया है, लेकिन शायद उसका कारण एक ये भी है कि हम उसको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। क्योंकि ईरान ना तो कभी हमारा इतना ज़्यादा दोस्त रहा, जैसे कि मान लीजिए रशिया हमारा, सोवियत यूनियन हमारा दोस्त रहा था, तो उसके बारे में बहुत दिलचस्पी होती है। ना हमारा ऐसे एडवर्सरी रहा जैसे कि चीन है या जैसे पाकिस्तान है, या कुछ हद तक बहुत दशकों तक अमेरिका भी था, और अमेरिका अब दोस्त है। तो ईरान जिसको कहते हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर है, वो भारत के लिए ना समस्या क्रिएट करता है कोई, और ना भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन आपकी बात ठीक है, वो बहुत बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश है दुनिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला जो सवाल है वो तपेश मजुमदार का है। वो पूछ रहे हैं कि वो भी हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं मैं जानता हूं तपेश जी को अच्छी तरह से। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कतर में हिरासत में लिए गए पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मचारियों पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? भारत सरकार की चुप्पी इस पर हैरान करने वाली है। देखिए, बात मुझे भी समझ नहीं आई, और सच्ची बात यह कि हमारे रिपोर्टर्स भी इसके अंदर ढूंढ रहे हैं कि कहानी क्या है, लेकिन अभी वो गुत्थी सुलझा नहीं पाए हैं। जैसे वो सुलझा पाएंगे हम आपको वो स्टोरी दिखाएंगे। कुछ अजीब बात है, अब ये पता नहीं लीगल शिप था, इलीगल शिप था, क्योंकि ये तो अभी तो भारतीय नेवी में नहीं थे जी, ये भूतपूर्व नेवी के थे जो अब लगता है कि मर्चेंट नेवी में होंगे शायद। तो ये क्या कहानी है? कतर भारत का दुश्मन देश नहीं है, लेकिन कतर जो है वो कोई सिविल लिबर्टीज़ वाला देश भी नहीं है। सिर्फ एक ही वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सिविल लिबर्टीज़ की बात करता है, वो अल जजीरा है, जो टीवी स्टेशन मीडिया सेंटर वो खुद चलाते हैं कतर की सरकार जी, कतर का राज परिवार, लेकिन वो सिविल लिबर्टीज़ की सारी दुनिया में बात करता है, कतर में नहीं करता है। तो इसमें एक रहस्य है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको सुलझाने की। अगला जो सवाल है वो फरीद का है, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे क्या आपको क्यों लगता है कि भारत आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरणों में अच्छा क्यों नहीं खेलता है? देखिए, अब क्रिकेट बदल गई है। मैं ये नहीं कहता कि भारत के क्रिकेटर नहीं बदले हैं, भारत में भी क्रिकेटर बदले हैं, पर ये कहानी है, मतलब कहानी का इतिहास का एक पन्ना है कि शुरू में मान लीजिए कि 70 का दशक शुरू होते ही एक बार विजय मर्चेंट हमारे क्रिकेट चलाते थे और वो चयनकर्ताओं के चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने बहुत जो हमारे सेटल्ड पुराने उस समय के स्टार थे उन सबको अचानक टीम से ड्रॉप कर दिया। अच्छा। और बहुत नए नए लोग ले आए, गावस्कर वगैरह भी उसी समय में आए थे। तो उनसे किसी ने कहा कि आपने सब जाने पहचाने लोगों को निकाल दिया और नए नए लोगों को लाए, क्यों लाए? तो उन्होंने कहा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। तो जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस है कि जैसा भागने का मैदान है वैसा ही घोड़ा लाओ। कोई घोड़ा पहाड़ में अच्छा दौड़ सकता है, कोई घोड़ा घास पे अच्छा दौड़ सकता है, कोई घोड़ा सड़क पे अच्छा दौड़ सकता है, तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। तो उसमें ये जो 3 तरह के खेल हैं, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई जो 50 ओवर का मैच है, और T20, ये तीनों अलग तरह के खेल हैं। तो ये तीनों अलग तरह के कोर्सेज हैं, आपको तीनों में अलग तरह के हॉर्सेस चाहिए, अलग तरह के घोड़े चाहिए। अब अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें तो इंग्लैंड की टीम में जो लोग भारत के खिलाफ खेले उनमें से 10 लोग इंग्लैंड की पिछली टेस्ट में नहीं खेले थे। हमारे यहाँ जो कॉमनैलिटी है, हमारी टेस्ट टीम, ओडीआई टीम और T20 टीम, ये सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि कप्तान भी एक है। तो आजकल आप देखिए जो देश आमतौर पे कप्तान अपना तीनों फॉर्मेट में अलग रखते हैं, कम से कम 2 कप्तान तो रखते ही हैं, और उनकी टीमें बहुत अलग होती हैं। अगर आप भारतीय टीम देख लें तो उसमें कितने खिलाड़ी हैं जो इतनी बड़ी अपनी रेपुटेशन का बोझ लेके अपने कंधे पे चल रहे हैं। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, इन सब के पास इतना रेपुटेशन का वेट है, अरे लोग क्या कहेंगे मैं फेल हो गया। तो T20 में जिसको फेल होने का डर है उसके लिए वो खेल नहीं है। T20 में आपको पहले बॉल से ही आके आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 4 बॉल सेट होने में लगा गए, 120 बॉल तो आपकी सारी टीम को मिलनी है। आप देखिए इस मैच के अंदर रोहित शर्मा ने 28 बॉल में 27 रन बनाए, तो 28 बॉल का मतलब करीब 5 ओवर, 5 ओवर का मतलब आपकी टीम के 25% ओवर खत्म हो गए। अगर 25% ओवर खत्म हो गए, रन बने सिर्फ 28, तो बाकी 75% में ठीक है कोई 75 नहीं बनाएगा, 100 बना देगा, 125 बना देगा, तो वही हुआ 125 बना आपके उतनी, बल्कि आप समझे कि बाकियों ने बाकी के 75% ओवर में और भी ज़्यादा 130, 140 भी बना दिए, लेकिन फिर भी आपके काफ़ी नहीं हुए ना, आप 168 पे फंस के रह गए। तो शुरू में जो ये जो रेपुटेशन का बोझा है ये हटाना पड़ेगा, और T20 के लिए उसके लिए इफेक्टिव बॉलर चाहिए, क्योंकि यहाँ ना बैट्समैन को सेटल होने का टाइम है ना बॉलर को सेटल होने का टाइम है। तो बॉलर को शुरू ही आके ऐसे डालनी है कि बैट्समैन को आप पर रन बनाने के लिए रिस्क लेना पड़े। तो इसमें जैसे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स कहते हैं, जिसको इमरान खान रेलू कट्टा कहते हैं, तो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। तो पेस, अगर आप फास्ट बॉलर हैं पेस चाहिए आपको, और ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे स्विंग भी नहीं होता वहाँ के कंडीशंस में। और अगर आप स्पिनर हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स फैक्टर चाहिए, उसमें खास करके लेग स्पिन चलता है। आप देखिए जितने देशों ने लेग स्पिनर खिलाया है उन सब ने अच्छा खेल के दिखाया है इस टूर्नामेंट में जी। अगला सवाल जो है वो आवेद सी का है, जो कि पूछ रहे हैं कि आप नए CGI के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनके पास डिस्कोर्स, डिस्कशन को लेफ्ट या वोक की तरफ बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति है? देखिए इतना तो मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उनकी जो अभी तक जजमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं, सुलझी हुई हैं, और कई जगह उन्होंने काफ़ी फर्मली भी बात करी है, और पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे जज तो सारे पढ़े लिखे होते हैं, पर कुछ स्पेशली आप कहेंगे कि स्कॉलरली होते हैं, उनकी जजमेंट्स को देख के समझ आता है। लेफ्ट और वोक मुझे पता नहीं, जहाँ तक मैंने उनकी जजमेंट्स देखी हैं, मुझे लगता है कि वो सेंटर के इंसान है। बाकी अपूर्वा आपको बताएंगी, कानून को वो ज़्यादा समझती हैं। बताओ अपूर्वा, आप क्या सोचती हैं? हाँ, उनके बारे में अब मैं अग्री करती हूँ शेखर से कि उनकी जो जजमेंट्स अभी तक आई हैं काफ़ी अच्छी तरह से वो जजमेंट्स लिखते हैं। कई सोशल इश्यूज़ पे उन्होंने काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग एक तरह से जजमेंट्स दी हैं। बाकी उनके पास काफ़ी समय है, वो जो अच्छी बात है। कई बार हम चीफ जस्टिस जो हमारे पास आते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता हाथ में कि वो ज़्यादा केसेस सुन पाए, या जैसे यू ललित के पास बहुत ही कम समय था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी समय बाद भारत को एक 2 साल के लेंथ के लिए एक चीफ जस्टिस मिला है, तो वो काफ़ी सुधार कर सकते हैं इसमें। स्पेशली आई थिंक टेक के मामले में वो काफ़ी आगे हैं, वो अपने आईपैड में समझदार भी हैं, समझते भी हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हमारी जुडिशरी को इस समय टेक्नोलॉजी में काफ़ी अपग्रेडेशन चाहिए, तो वो सब बातें वो ध्यान में। वैसे मैं आपको एक कहानी भी बता दूँ कि जब इनके पिता चीफ जस्टिस थे जी, तो जब वो रिटायर हो रहे थे तब मैं इंडिया टुडे में काम करता था, तो उनका जो फेयरवेल इंटरव्यू था, काफी लंबा इंटरव्यू था वो नहीं इंडिया टुडे में। तब तो इंडिया में टीवी आया नहीं था। अच्छा, हाँ। ये बात हो गई मेरे ख्याल 86 की ऐसे बात होगी। तो बहुत लंबा इंटरव्यू था वो, मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा और आपको वो अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट उसका दिखाऊंगा भी। अगला सवाल जो है वो एश का है। वो पूछ रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में इस समय क्या चल रहा है और भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है किम जोंग उनको लग रहा है यार दुनिया भर में इतना कुछ हो रहा है, कोई मुझे देख ही नहीं रहा। तो जब उसको अटेंशन की जरूरत होती है, थोड़ा बोर होता है, तो 5-6 मिसाइल जहाँ मर्जी दाग देता है। उसके पास पुराने मिसाइल पड़े हुए हैं, मोस्टली चाइना से मिले हुए, और उसको रिवर्स इंजीनियर भी करना आता है। बल्कि उसने काफ़ी सारे तो पाकिस्तान को भी बेच दिए हैं, जो पाकिस्तान बार बार कुछ अलग अलग नाम रख के जो मिसाइल अपन चलाता रहता है, वो बेसिकली सब नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हैं। और कई तो उसमें चावल के जहाज भर के दिया तो मिसाइल मिल गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में समस्या भी रहती है कई बार, तो उसको कोई इतनी संजीदगी से लेता नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि वो अटेंशन सीकिंग है, और थोड़ा सा ये भी है कि रूस वगैरह का भी फ़ायदा होता है, पुतिन का, कि दुनिया डर जा रही है, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, सब न्यूक्लियर हो जाएंगे, सब लोग निकल के तैयार हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही है, वो ऐसा खड़क सिंह ही है, जैसे कहते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, उस टाइप का ही है जी। अगला सवाल जो है वो रोहन नवलकर का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि पिछली पीढ़ी में हमने देखा कि सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता जैसी भारत में कई मजबूत महिला राजनेताओं का उदय हुआ, लेकिन अब दीदी को छोड़कर अधिकांश के लिए राजनीतिक करियर एक तरह से समाप्त हो रहा है। हम इस जेनरेशन में, वो पूछ रहे हैं कि इतनी मजबूत महिला राजनेता क्यों नहीं देखते हैं, जहाँ कई पुरुष नेता पार्टियों को लीड कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी नेता है जिसके लिए आप एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर देखते हैं? देखिए, ये एक विडम्बना एक तरह की कि हमारे उपमहाद्वीप में जी, सब कॉन्टिनेंट में महिला नेता बहुत आई हैं आगे, और अपने देश की चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री वगैरह भी बनी है, लेकिन वो सभी किसी न किसी परिवार की वंशज थी, पॉलिटिकल परिवार की। तो या तो उनके माता पिता में से पहले कोई नेता थे जिनको मारा गया, उनके पति कोई नेता थे जिनको मारा गया। अब आप सबको गिनिए, सोनिया गांधी, उनकी सास को, मदर इन लॉ को मारा गया, उनकी ऐसे उनके पति को मारा गया। उसके बाद में वही फिर अप्लाई करता है राहुल को, प्रियंका को अप्लाई करता है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो बेनज़ीर भुट्टो, उनके पिता को मारा गया, और अब बेनज़ीर के बाद उनका लड़का है, तो क्योंकि बेनज़ीर को भी मारा गया। अगर आप बांग्लादेश देखते हैं, वो भी एक बड़ा देश है, बांग्लादेश देखते हैं तो वहाँ पे जो अभी राज कर रही हैं शेख हसीना, उनके पिता को, उनके सारे परिवार को मारा गया, जो कू हुआ वहाँ पे 1975 में। ऐसे ही जो उनकी विरोधी नेता हैं, जो उसके पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, खालिदा जिया, उनके पति को मारा गया। तो ये एक अलग तरह का, ऐसे ही श्रीलंका में बंडार नायके, श्री मावो, ये सब सिमिलर कहानियाँ हैं। तो महिलाएं अपने आप बहुत कम नेता बन के सामने आई हैं, और उनमें अगर आप देखें तो ममता बनर्जी एक ही तरह की हैं। अगर आप कहें कि मायावती भी काफ़ी कुछ सेल्फ मेड है, लेकिन वो भी उसके पहले काशी राम जी की प्रोटेजे थी जी। उनकी शिष्या थी, तो शिष्या होना का मतलब ये नहीं कि उनके परिवार से थी, और आज जब मैं बात कर रहा हूँ कांशी राम जी की एनिवर्सरी भी है आज, क्योंकि जिन्होंने ये सारा बहुजन मूवमेंट शुरू किया। तो मायावती जी, ममता बनर्जी, मायावती, ये दो मैं कहूँगा बिल्कुल सेल्फ मेड। जयललिता को मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि जयललिता हमेशा से एमजीआर के साथ थी। तो एमजीआर गए तो उन्होंने एमजीआर की पार्टी ले ली, और एमजीआर पहले से मुख्यमंत्री और बहुत बड़े नेता थे। हालांकि जयललिता ने उसको अपने तरीके से चलाया और उसके ऊपर अपना जो एक कंट्रोल थी, पकड़ थी, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। जैसे कि इंदिरा जी ने भी नेहरू जी के बाद कांग्रेस पार्टी में अपनी पकड़ बहुत स्ट्रांग कर ली, बल्कि पुराने जो कांग्रेस पार्टी के थे उन सबको निकाल दिया, कांग्रेस का स्प्लिट कर दी 1969 में। तो इनमें से कई महिला नेताएं बहुत सशक्त हुई हैं, लेकिन अपने आप सेल्फ मेड बहुत कम है। तो सेल्फ मेड में आपका ये ममता बनर्जी, और फिर अगर आप देखें तो जैसे स्मृति ईरानी है, वो भी एक सेल्फ मेड नेता है, क्योंकि वो भी हिम्मत करके बोलती है हाँ मैं अमेठी जाऊँगी, लड़ूंगी, तो रिस्क लेने की क्षमता है। तो कुछ कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि बहुत कम आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती हैं, वो भी एक परिवार से हैं, डायनेस्टी से हैं। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल जो है वो सिद्धांत कुमार किससे आ रहा है। वो पूछे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज या विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जो है वो विश्वसनीय है, अगर हाँ तो IITs इनमें इतनी लो रैंक पर क्यों आते हैं और इसके बावजूद भी छात्रों के लिए इतने आकर्षक क्यों हैं? देखिए IITs का जो पहले तो आपको मैं दूसरे पार्ट का पहले जवाब देता हूँ। IITs का आकर्षण इसलिए है कि IITs का जो एडमिशन सिस्टम है वो बहुत मेरिटोक्रेटिक है, और बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत मुश्किल है उसके अंदर घुसना। तो इसका मतलब जो IIT में घुसा उसने बहुत मेहनत की, वो बहुत लायक भी है, समझदार है, और लेकिन मेहनती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत के इतने CEO बन रहे हैं सारे IIT के क्यों हैं। तो IIT में सीखे भी होंगे गुर, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि IIT में से कुछ खास चीज़ सीख के आई है, क्योंकि वो शुरू से ही मेहनती थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका दिमाग IQ बहुत तेज था, IQ हम सबका बराबर ही होता है, लेकिन कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितना पढ़ता है, कौन कितनी मेहनत करने की क्षमता रखता है। तो कई लोग तो होते हैं पढ़ाकू बिल्कुल, वो सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं उसके अंदर जो उसी मेहनत करने की क्षमता को और चीज़ों में लगाते हैं, जैसे उद्यम में लगा दिया, एंटरप्रेन्योरशिप में आपका यूनिकॉर्न बन गया, या आप कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपने मेहनत की, आप ग्रो करके CEO बन गए। तो ये तो IIT की स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो उनका सिलेक्शन सिस्टम और उनका टीचिंग वगैरह वहाँ बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कैंपसेस बहुत अच्छे हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं सरकार से बहुत अच्छी हैं। तो सारी बातें एक इकोसिस्टम भी बना हुआ है। रैंकिंग्स क्यों नहीं होती, ये एक पेचीदा सवाल है, जिसका जवाब आपको मैं बोलूँगा कृतिका शर्मा है जो हमारी एजुकेशन कवर करती हैं, शिक्षा का सेक्टर, उनसे पूछूंगा, वो आपको समझाएंगी। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि रैंकिंग्स के लिए कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, जैसे आपके पास सब डिसिप्लिन होने चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए, साइंस भी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ भी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे ये कहना भी मेरे लिए मुश्किल है एकदम बिना उसको स्टडी किए कि किस लिए हमारे कम से कम IIT और इसमें नहीं आ पाते। जो हमारी बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्षमा कीजिएगा उनकी हालत बहुत खस्ता है। जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU लेटेस्ट है अभी, इन सब के अंदर डिक्लाइन शुरू हुआ है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी वहाँ पहुँचे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 10 में से 9 तो सिर्फ दुकानें हैं, उनको पैसे कमाने हैं, हालांकि कहते हैं हम नॉन प्रॉफिट हैं। और जो 1-2 नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं उनको भी समय लगेगा। जी, चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपने हमें इस बार भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से, भारतीय राजनीति से लेकर क्रिकेट तक कई तरह के सवाल भेजे, उसके लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगी। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सर्दी आने वाली है, ज़रा अपना ध्यान रखिएगा।